दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एडुकेटर राज दुबे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है किस पे, इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। और टॉपिक हमारा किस पे बेस्ड है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मनी का एप्रिसिएशन की, डिप्रिसिएशन की, एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट बोले तो मतलब जैसे हम लोग, मैं आपको डॉलर दे रहा हूँ, आप मुझे इनकेस रूपी दे रहे हैं, एंड सो एन एंड सो फोर्थ। डिफरेंट करेंसीज का क्या होता है, डच डिजीज क्या होता है, मतलब इन्फ्लेशन की दुनिया में एक डिजीज होता है, उसको जानेंगे हम लोग, एंड सो एन एंड सो फोर्थ। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज का हमारा क्लास किस पे बेस्ड है, हम लोग क्या देखते हैं, पहले एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब प्राइस ऑफ करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी। दैट मीन्स व्हाट, मतलब आपको मैं क्या, $1, जैसे आप जा रहे हैं कहीं पे, फॉर एग्जांपल आप गए हैं अमेरिका, ठीक है, आप $1 पे कर रहे हैं किसके लिए, फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑब्जेक्ट खरीदने के लिए। सपोज आप एक वन डर्जन ऑफ आप बोल सकते एप्पल खरीदने के लिए $1 पे कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं पे आप यहाँ पे इंडिया में पे कर रहे हैं फॉर 74 रुपीज। मतलब क्या, $1 इसके लिए 74 रुपीज। या फिर आप जैसे जानते हैं, आप गूगल कीजिएगा, मतलब करेंट वैल्यू $1 का कितना होता है, आप देखिएगा 74, 75, 80, मतलब फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज विद रेस्पेक्ट टू द ग्लोबल मार्केट एंड ग्लोबल करेंसी। मतलब क्या, ये एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होता क्या है सर, मतलब मैं बात करूँ, जब मनी की वैल्यू बढ़ जाती है या फिर डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, हम लोग आगे देखते हैं क्लासेस में। तो देखते हैं फर्दर क्या हमारा क्या बोलता है। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक होता है, जहाँ पे क्या होता है, मतलब ग्लोबल करेंसीज के मद्देनजर रखते हुए, मतलब अगर हमारा सर क्या होता है, मार्केट में डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, मतलब $1 इज इक्वल टू मुझे पे करना पड़ रहा है कितना, 84 रुपीज इंडिया का। दैट मीन्स व्हाट, हम लोग का ग्लोबल में बढ़ा तो हम लोग उस अकॉर्डिंग अपनी मेरी जो करेंसी है इंडिया की वो कमजोर हो गई। वहीं पे फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, डजंट मैटर एक्सटर्नल आवाज मुझे सुनाई नहीं देता है, मतलब क्या, आपकी वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, नॉट एट ऑल ऑफ माई बिजनेस। मैं अपना RBI हमारा हेड है, RBI इज माई पेरेंट्स, RBI इज माई गार्जियन, RBI डिसाइड करेगा कि मेरी वैल्यू मेरी करेंसी की क्या होगी ऑन गोइंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो। डजंट मैटर हमारे आउट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रही है, जहाँ पे हमारी एप्रिसिएशन हो रही है, डिप्रिसिएशन हो रही है, नॉट एट ऑल ऑफ माई बिजनेस। ये होती है फिक्स एक्सचेंज रेट, मतलब मैं अटल रहता हूँ, स्टैंड पकड़ा हुआ है, फिक्स मतलब एक स्टैंड है उनका। और फ्लोटिंग मतलब फ्लोट हो रहा है वो पानी की तरह, बह रहा है, मतलब क्या, बाहर कुछ भी हो रहा है तो उसके कारण वो अपने पे मतलब एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन की मतलब बोल सकते हैं उस पर भी इफेक्ट हो रहा है, फिक्स मतलब इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब इंडिया फॉलो क्या करती है सर, इंडिया फॉलो हमारे एक मतलब कुछ कंट्री होते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं, कुछ होते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। अब सर इंडिया का फॉलो करती है, इंडिया फॉलो करती है क्या, मिक्स ऑफ फ्लोटिंग एंड फिक्स, मतलब क्या, हम लोग बाहरी दुनिया की कंडीशन को भी मद्देनजर रखते हैं और RBI का जो हमारा गार्जियन है बैंकों का, उनका भी बात को हम लोग मद्देनजर रखते हैं। दोनों को सम अप करके एक हमारा रिजल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है, जो कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इंडिया फॉलोज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड डायरेक्ट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मतलब वही बोल सकते हैं सरल भाषा में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को इंडिया फॉलो करता है। अब सर डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी मतलब क्या होता है, कि मतलब डिप्रिसिएशन रुपी में होता क्या है सर, होता ये है माय स्टूडेंट, कि जब भी आपका डिप्रिसिएशन रुपी होता है, आपका जो एक्सपोर्ट होता है वो चीपर हो जाता है, इम्पोर्ट आपका कॉस्टलियर हो जाता है। वेल एंड गुड, ठीक है, ये तो आपने कह दिया सर। अब आगे क्या, डच डिजीज क्या होता है, डच मतलब होता है एप्रिसिएशन ऑफ, क्या होता है आपका, रुपी को एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब रुपी की वैल्यू बढ़ रही है, विच लेड्स टू चीपर एक्सपोर्ट्स एंड कॉस्टलियर इम्पोर्ट, मतलब क्या, एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अब आप ये बोलेंगे सर RBI क्यों मतलब हमारी वैल्यू को डिप्रिसिएशन करती है, मतलब ऑब्वियसली बात है कभी कभी एप्रिशिएट भी करती है, कभी डिप्रिशिएट, मतलब कभी आप RBI जानबूझ के क्या करती है, मतलब $1 के लिए ज़्यादा रुपी पे करना पड़ता है, मतलब क्या रुपी ज़्यादा है। एप्रिशिएट डिप्रिशिएट कोई आदमी कब होता है, डिप्रिशिएट मतलब आपकी वैल्यू कब नहीं होती है, जब आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं किसके लिए, तो आपका ऑब्वियसली बात है वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है मतलब क्या, रुपी ज़्यादा है डॉलर कम है, तो ऑब्वियसली बात है एप्रिसिएशन और रुपीस मतलब अगर, और यहाँ और ये हो डिप्रिसिएशन के केस, एप्रिसिएशन मतलब आप बहुत रेयर है मतलब क्या, कम है रुपी, कम है डॉलर ज़्यादा है, मतलब क्या एप्रिसिएशन ऑफ रुपीस हो रही है, लेड टू चीपर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट चीपर हो रही है हमारी, मतलब सर हो गई ना घोटाला, क्या वैल्यू को कर दिए हम लोग रुपी को एप्रिसिएट, पैसे कम है
उनकी कदर ज़्यादा की जाएगी, ज़्यादा कदर की जाएगी तो मैंने की ज़्यादा कदर। इतना आप बोल रहे थे कि ये होता है वो होता है, मतलब वैल्यू कम है हमारी, तो ठीक है मैंने वैल्यू को बढ़ा दिया रुपी का, बढ़ा कर देखा तो क्या देखा मैंने, एक्सपोर्ट मतलब मैं जो भेज रहा हूँ ना सर इंडिया के बाहर वो तो मुझे सस्ते दाम में बेचना पड़ रहा है, लेकिन मैं जो खरीद रहा हूँ ना सर वो मुझे महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। तो बस इकोनॉमिक जीडीपी हो गई डामाडोल। कैसे सर, आप ज़्यादा पैसा देके खरीद रहे हैं लेकिन कम पैसे में, ज़्यादा पैसा देके खरीद लेकिन कम पैसे में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये आपके लिए नुकसानदायक है, नुकसानदायक है तो आपका हो गई। इसी को कहते हैं दस डिजीज, मतलब दोनों अनफेवरेबल है, मतलब दोनों एंटी चल रहा है। होना क्या चाहिए, एक आदमी चाहता क्या है कि वो बेचे ज़्यादा दाम में और खरीदे कम दाम में, लेकिन हो क्या रहा है सर, बेचना पड़ रहा है कम दाम में, खरीदना पड़ रहा है ज़्यादा दाम में, हो गई डज डिजीज। इम्पैक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है सर, डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू जब हमारी रुपी की कम हो जाती है कदर, तब उसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ये होता है स्टूडेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट के नाम से हमें एक टर्म वाकिफ होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या, करंट अकाउंट मैंने क्या बोला था, वो सरकारी वाला आदमी, यहाँ पे सैलरी वगैरह हमारी आती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, और कैपिटल अकाउंट मैंने क्या बोला था, कैपिटल फॉर्मेशन, कोचिंग आपको पेरेंट्स ने आपको फीडिंग की क्यों, ताकि जाके आप बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए कंट्री के लिए। तो करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या होता है, कॉस्टली ऑयल इम्पोर्ट्स, जैसे मैंने क्या बोला डिप्रिसिएशन हो रहा है करेंसी का, तो ज़्यादा पैसा देके मुझे खरीदना पड़ रहा है तेल वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कॉस्टली मशीन इम्पोर्ट्स लीडिंग टू टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, सो एन एंड सो फोर्थ, ये होता है आपका। अब आगे क्या सर, आगे क्या बोलता है, स्टेप्स क्या टेकन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, विंडफुल टैक्स ऑन ऑयल एक्सपोर्ट्स। विंडफुल टैक्स क्या होता है सर, विंडफुल टैक्स ये होता है कि आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट का मतलब टैक्स, मतलब आप ये फिक्स कर देंगे कि अगर आप ये आदमी से इतना अमाउंट का कुछ खरीद रहे हैं तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, मतलब एक बाउंड्री लिमिट सेट कर देती है विंडफुल टैक्स, ताकि ज़्यादा कोई पर्टिकुलर कंट्री से खरीद ना पाए। मनी मार्केट क्या होता है सर, इसी से मिलता जुलता आगे बढ़ते हैं, वेयर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन वन ईयर, एक ईयर साल तक में 364 डेज तक अगर हम लोग मनी मार्केट इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, अगर वही हम लोग अगर 364 प्लस 365 एंड मोर में अगर हम लोग करते हैं तो अब ऐसी बात है हम उसे क्या बोलेंगे सर, हम उसे बोलेंगे कि हमारा वो कैपिटल मार्केट में है सर, कैपिटल मार्केट में, ठीक है। अब क्या सर, अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि हमारा स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन होता है इंक्रीज ऑयल प्राइस हो गया, ठीक है, जिसके लिए प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है, प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है मतलब क्या, ज़्यादा हाथ में पैसा है, ज़्यादा पैसा देकर खरीदना पड़ रहा है, प्राइस ज़्यादा है, जिससे डिमांड बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन हो गई तो क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई सप्लाई कम हो गई, डिसबैलेंस हो गया, जीडीपी कम हो गई, क्यों, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, जीडीपी कम हो गई तो अभी ऐसी बात है पैसा रहेगा नहीं सरकार के पास तो एम्प्लॉयमेंट आएगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट आएगा नहीं तो एम्प्लॉयमेंट आपका हो गया क्या, डिक्रीज, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गया तो जैसे मैंने पहले बोला था सप्लाई आपका डिक्रीज है, दैट्स द लिंकेज। अब पार्टनरशिप ऑफ एफडीआई हम लोग देखते हैं, ठीक है, मतलब एफडीआई जो होता है, मैंने इतना देर बात की डॉलर एंड रुपीस की, सर डॉलर डॉलर जब कर रहे हैं लेकिन डॉलर आता कहाँ कंट्री में, और आता है तो हमने उसे क्या प्रायोरिटी दे के रखी है इंडिया में, लेट्स सी। पार्टनरशिप ऑफ फॉर एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बेस्ट फ्रेंड हम लोग का जो होता है एफडीआई पर्टिकुलर टर्म में बोले तो 74% लोग ऑटोमेटिक रूट है, किसमें डिफेंस में, मतलब 74% तक वो लोग ऑटोमेटिक रूट मतलब बिना कोई मतलब कार्यवाही और कागजात के वो मतलब डायरेक्ट एंट्री ले सकता है 74% तक, लेकिन उससे ज़्यादा अगर मैंने क्या बोला 50% मैं तुम्हें लिमिट दे सकता हूँ अपने, उससे ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी कागजों की, तो वही मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर 74% तक वो लोग आते हैं 74% तक जो लिमिट है लिमिट पॉइंट उसके लिए वो लोग फ्री हैं, लेकिन उसके बाद आपको कार्रवाई कागज सरकारी कागजों की करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% है ऑटोमेटिक रूट की, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में पूरा 100% मतलब 100% आप ये बोल सकते हैं 74% आप बोल सकते हैं प्राइवेटाइजेशन हो गया, यहाँ पर 100% यहाँ पर 100% टेलीकॉम में, तो मतलब आप प्राइवेटाइजेशन और मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब लेकिन इसके लिए एक बाउंड्री कंडीशन है, क्या सर, कंट्री शेयरिंग बाउंड्री विद इंडिया कैन कम ओनली बाय अ गवर्नमेंट रूट,
कर दिया ना घोटाला, क्यों किया? टू काउंटर चाइना का प्लान के लिए, क्योंकि चाइना सोचेगा सर ये तो बहुत बढ़िया प्लान है, 74% में डायरेक्ट अपना एंट्री करा सकता हूँ बिना कार्रवाई किए हुए सरकारी कागजों की, तो क्यों ना इंडिया पे कब्जा किया जाए। तो चाइना ऑब्वियस सी बात ये सोचेगी, इसी और खासकर पाकिस्तान, लेकिन चाइना के पास इकोनॉमी जीडीपी है, वो कर भी सकती है। भले पाकिस्तान सोच सकती है लेकिन चाइना कर भी सकती है। तो इसी को काउंटर करने के लिए क्या किया गया, ये प्रोटोकॉल को यहाँ पे फॉलो करने के लिए इंडिया ने इम्प्रोवाइज किया था। नाउ अब हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर का इंटरप्राइजेस 2021 में क्या गवर्नमेंट में लाया। एक होता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर, एक होता है आपका क्या नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में क्या आता है सर, उसमें आता यही है कि वहाँ पे बेयर मिनिमम प्रेजेंस रहेगी गवर्नमेंट की, मतलब क्या लिमिटेड गवर्नमेंट रहेगा, मैक्सिमम गवर्नेंस रहेगा। गवर्नेंस मतलब ज़्यादा, मतलब बहुत बढ़िया आपका काम चलेगा। गवर्नमेंट मतलब आप मतलब ज़्यादा कार्रवाई नहीं करेंगे, या फिर जो होता है ना, जैसे मतलब होता है हर चीज़ में के लिए क्वेश्चन, मतलब क्यों कर रहे हैं, वाई यू आर डूइंग दैट, वाई आर डूइंग दिस, हैव यू टेकन द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, सो एन एंड सो फोर्थ, हैव यू सीन वेदर द गवर्नमेंट वेबसाइट इज अप्रूविंग इट टू और नॉट, मतलब गवर्नमेंट का वेबसाइट क्या आपके लिए अप्रूव कर रहा है या नहीं, आप जो ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, सो एन एंड सो फोर्थ। ये सब बहुत मिनिमम कर दिया गया ताकि बहुत अच्छे तरीके से काम को कर पाए विदाउट एनी हिंड्रेंस। यहाँ पे आपका बेयर मिनिमम प्रेजेंस होगा गवर्नमेंट का, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आपका यहाँ पे टोटली क्लोज कर दिया गया है, मतलब टू बी प्राइवेटाइज और क्लोज, मतलब प्राइवेटाइज कर दीजिए या फिर क्लोज कर दीजिए, किसके लिए, नॉन स्ट्रेटेजिक के लिए। स्ट्रेटेजिक के लिए बेयर मिनिमम प्रेजेंस होगा, क्या होगा सर देखते हैं। एटॉमिक एनर्जी इसके आता अंदर आता है, स्पेस एनर्जी आता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आपका आता है, उसके बाद आपका क्या आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आपका पावर जो सेक्टर है, ये सब जो आपका सेक्टर है ये सब में आपका क्या होगा बेयर मिनिमम प्रेजेंस होगा गवर्नमेंट का, और मैक्सिमम आपका क्या होगा गवर्नेंस होगा, और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर होगा उसको टोटली प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, या फिर अगर प्राइवेटाइज नहीं करना है तो क्लोज कर दीजिए और चलते बनिए। तो हमने आज क्या सीखा, हमने ये सीखा सर हमारा डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी, मतलब क्या होता है सर, मनी हमारे पास बहुत ज़्यादा है इसीलिए वैल्यू कम है, जो चीज़ कम रहती है उसी की अप्रिसिएशन होती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा रेयर है कहीं पे तो अभी ऐसी बात आपकी ज़्यादा वैल्यू की जाएगी, वैल्यू की जाएगी ज़्यादा मतलब क्या कम है, कम है मतलब रुपी कम है। डिप्रिसिएशन मतलब क्या, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में कुछ चीज़ हो जाए ना तो उसे डिप्रिशिएट हो जाता है। डिप्रिसिएशन और रुपी कब होता है सर, जब रुपी बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपया आपके पास हाथ में है तो अभी बात है पैसे की कदर नहीं करेंगे, वहीं अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है तो आपकी कदर करेंगे, तो वही होता है एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन इकोनॉमिक्स के भाषा में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।